का एक छोटा सा फॉर्मूला भी क्लास के अंदर लिखा था, दैट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है ILB sin θ। और आई थिंक सब लोग ये चीज क्लास के अंदर पहचान चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी आप लोग बी एंड सी सेक्शन के बीच बच्चे भी क्लास के अंदर मौजूद होंगे, तो हो सकता है कि आपका एक आधा टॉपिक बीच में छूटा हो। ठीक है, हो सकता है मीनार सर ने एक आधा टॉपिक बीच में से नहीं करवाया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, बी और सी सेक्शन हो सकता है तुम्हारा कोर्स थोड़ा सा पीछे चल रहा था ए सेक्शन से, तो अपन उसको एकदम लास्ट में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, एंड दैट फोर्स माय फ्रेंड इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला FB = ILB sin θ। I क्या है यहाँ पर, करंट है, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, B है मैग्नेटिक फील्ड, sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इसके बेस पे दो बातें अपन करते थे, उनको ध्यान से समझना अपन को बहुत जरूरी है, ध्यान से देखो। वो दो बातें ये थी कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में रहे, दैट मींस इफ द कंडक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस इफ थीटा इज इक्वल टू 0 degree, देन वी कैन से इन दैट पर्टिकुलर केस द मैग्नेटिक फील्ड विल मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। उस केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 degree रहे, ध्यान सुन लो, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना रहे, 90 degree का रहे, तो हमने ये बात की थी कि फोर्स की वैल्यू उस केस में मैक्सिमम हो जाती है। और इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को यूज करते हुए हमने इलेक्ट्रिक मोटर को डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, सो इन दैट मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर, और वही कंडक्टर मोटर की वर्किंग में बहुत यूजफुल ये प्रिंसिपल रहता है हमारे लिए। चलिए, इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए एक रूल होता है हमारे पास, उस रूल को पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्लासेस के अंदर, ऑफलाइन क्लास के अंदर हम पहले इसको देख चुके थे, फिर भी अपन ऑनलाइन में एक बार इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे डायरेक्शन निकाली जाती थी। और रूल आता था मेरे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो स्टूडेंट्स, कौन मुझे क्लास के अंदर ये बता सकता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है? जो भी मुझे क्लास के अंदर बता सकता है हैंड रेस करके बताइए। There are three different fingers which we are using, and in these three we place these three fingers perpendicular, mutually perpendicular to each other. Why we place this? इसका थोड़ा सा reason अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, all these three fingers they are mutually perpendicular to each other. The thumb shows the direction of force experienced by the conductor. The index finger shows the direction of magnetic field which is present, and the middle finger shows the direction of current in the conductor. अगर मुझे ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होती है, मैं उसकी डायरेक्शन में अपने लेफ्ट हैंड को प्लेस करता हूं और जो थंब है वो मुझे फोर्स की डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। एंड दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब कैसे निकालना है वो तो मैंने आपको बता दिया। मैंने यहां पर देखो क्या लिखा, थंब, इधर मैं लिख रहा हूं इंडेक्स फिंगर, इधर मैं लिख रहा हूं मिडिल। So, thumb के ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इंडेक्स इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डी से डिनोट कर देते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड को, एंड द मिडिल फिंगर इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर सबको यहां तक बात क्लियर है तो एक बार हैंड राइज करके मुझे बताओ। Yes, fast everyone. All the students sitting in the class, क्या कर रहे हैं, बाकी सो रहे हैं क्या? Hand raise नहीं हो रहा तुम लोगों से? चलिए इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग की तरफ चलते हैं, देखो क्या आता है। First of all, we will place two magnets.
First of all, we will place two magnets like these. ठीक है, we have placed two magnets. There is a north pole and there is a south pole. Now we know that there is north pole or south pole जहां पर रहेगा उनके बीच में north to south magnetic field lines रहेंगी, तो the direction of magnetic field lines in between them is from north to south. Now we will place one armature. What do you mean by an armature? Let us talk about that. Armature क्या होता है? Armature होता है एक rectangular coil. Armature क्या होता है? Armature is a rectangular coil. Like this, मैंने यहां पर place कर दिया. चलिए, armature is what? Armature is a rectangular coil. ठीक है भाई. इस rectangular coil को हम यहां पर प्लेस करते हैं एंड वी कनेक्ट दिस रेक्टेंगुलर कॉइल विद द हेल्प ऑफ एन एक्सेल. किसकी हेल्प से? एक एक्सेल की हेल्प से. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सेल? एक्सेल का यहां पर काम क्या होता है? एक्सेल का काम होता है कि देखिए, गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि गाड़ी जो अपने फोर व्हीलर होता है उसके फ्रंट टू टायर्स एंड द रियर टू टायर्स दे आर कनेक्टेड टुगेदर. आगे के दो टायर जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक रॉड के थ्रू. पीछे के दो टायर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक रॉड के थ्रू. जब गाड़ी चलती है तो वो रॉड जो है वो रॉड रोटेट करवाने हेल्प कराती है हमारे टायर्स को. सो वो जो रॉड है जिससे हमने आगे के दोनों टायर्स को कनेक्ट कर रखा है दैट इज नोन एज एक्सल. उसी को क्या कहा जाता है? एक्सल कहा जाता है. चलिए सर, बिल्कुल सही है. तो सर एक्सल का काम क्या है? एक्सल हेल्प्स एनीथिंग टू बी इन रोटेशन मोशन. एक्सेल किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज को, किसी भी आइटम को किस में लाने में हेल्प करता है? हमें रोटेशनल मोशन में लाने में हेल्प करता है. अगर मुझे किसी भी बॉडी को रोटेट करवाना है सो वी विल कनेक्टेड विद एन एक्सेल. अब वो ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं कर पाएगी, अब वो क्या करेगी? रोटेशनल मोशन शो करेगी, वो एक जगह पर घूमना शुरू करेगी. सो एक्सेल का काम होता है इट रेस्ट्रिक्ट्स the translational motion of any object but only allows rotational motion. ठीक है, एक्सेल का काम क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा और सिर्फ अलाउ किसको करेगा? रोटेशनल मोशन को. मतलब वो यहां पर इस एक्सेल की वजह से ये जो कॉइल है ये आगे पीछे मूव नहीं कर पाएगी, ये ऊपर नीचे नहीं जा पाएगी. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएगी? ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर सकती है अपनी जगह. ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ एक्सेल. सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट. चलिए, Now what happens? See, एक्सेल का वर्क अपन को समझ में आ गया. अब हमने क्या किया, इस आर्मेचर को आगे जाके हमने दो सी शेप्ड रिंग्स से कनेक्ट कर रखा है. देखो लाइक दिस, इस तरीके से दो सी शेप्ड रिंग्स हैं मेरे पास. ठीक है, उनसे अपन ने इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया Like this. So you can see, देख रहा है आपको, दो सी शेप्ड रिंग्स है मेरे पास. इनको कहा जाता है स्प्लिट रिंग्स. क्या कहा जाता है? स्प्लिट रिंग्स. ठीक है, चलिए इन स्प्लिट रिंग्स से अब अपन क्या कनेक्ट करते हैं? इन स्प्लिट रिंग्स से अपनी बैटरी को कनेक्ट करते हैं. ये कर और सर्किट को कंप्लीट करवा दिया. चलिए, हमारे जो आर्मेचर है, दिस इज द आर्मेचर. ठीक है, दिस आर्मेचर इज कनेक्टेड टू द स्प्लिट रिंग्स विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस. ठीक है, हमने यहां पर ग्रेफाइट ब्रशेस को यूज किया. व्हाई वी हैव यूज्ड ग्रेफाइट ब्रशेस उसकी बात करेंगे थोड़ी देर. वी हैव यूज्ड ग्रेफाइट ब्रशेस
टू मेक द कॉन्टैक्ट बिटवीन स्प्लिट रिंग्स एंड द आर्मेचर। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, मैं आर्मेचर के चारों कॉर्नर्स को नाम देता हूं। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। आर्मेचर के चारों कॉर्नर्स को मैंने नाम दे दिया ए बी सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट विल हैपन, सी अब क्या होगा, ध्यान से समझना। हमने क्या करना है, हमने अब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवाना है। तो ये लो करंट फ्लो करवा दिया लाइक दिस। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं और अभी भी बात कर चुके हैं कि अगर मैं बीसी एंड एडी पोर्शन को देखूं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन सेम दिखती है। अब जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स कितना होता है, कौन बता सकता है मुझे उस केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? यस श्रेयामान, यस श्रेया बोलो। देव अग्रवाल, कौशिक जैन सर मेरा क्वेश्चन रिपीट कर, मतलब सर एंगल वापस कितना था, 180 या 90? देखो एडी पोर्शन देखो इस डायग्राम में और बीसी पोर्शन देखो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर देता हूँ। मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड और एडी बीसी पोर्शन को अगर देखें तो जो कंडक्टर एडी है और कंडक्टर बीसी है उस पर लगने वाला फोर्स कितना कितना होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर जीरो। व्हाई इट विल बी जीरो? सर थीटा जीरो डिग्री हो गया। थीटा जीरो डिग्री हो गया, हमने बोला था अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में आ जाता है तो फोर्स उस पर लगता है जीरो। ठीक है, फोर्स उस पर कितना लगता है, जीरो लगता है, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। इसका मतलब फोर्स ऑन, यहां पर हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन बीसी एंड एडी पोर्शन ऑफ द आर्मेचर विल बी जीरो। भाई बीसी और एडी पोर्शन ऑफ द आर्मेचर पे फोर्स कितना लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा, खत्म बात। बचा कौन सा पोर्शन, ए बी एंड सी डी, अब उन पे फोर्स मैक्सिमम होगा तो उसको भी मेंशन कर देते हैं। फोर्स on AB portion and CD portion will be maximum. AB portion और CD portion पे जो force लग रहा होगा वो maximum लग रहा होगा। अब कैसे maximum लग रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में angle कितना है, 90। अब AB portion को देखें उस पर force की value को calculate करें तो AB के लिए आप left hand rule को apply करेंगे, index finger को place करेंगे in the direction of magnetic field, the करंट की डायरेक्शन में हम अपने मिडिल फिंगर को प्लेस करेंगे एंड जो थंब है वो इनसाइड द प्लेन पॉइंट करने लगेगा, दैट मींस इस पे जो फोर्स लगेगा वैसे नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। मतलब जो ए बी वायर पे फोर्स लगा वो कहां लगा, नीचे की तरफ ऐसे लगना शुरू, मतलब ए बी वायर इज ट्राइंग टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट सी डी वायर कहां जाएगी, तो वही वापस से लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखो, ये करो, करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर करो एंड जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता देगा एंड द फोर्स कम्स आउट टू बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ सी, सीडी पोर्शन ऊपर आना चाहता है, एडी पोर्शन, एबी पोर्शन नीचे जाना चाहता है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन तो शो कर नहीं सकते, करें क्या, ये रोटेट होने लग जाएंगे एक्सेल के अबाउट, क्या करने लग जाएंगे, रोटेट होने लग जाएंगे एक्सेल के अबाउट, ये कुछ इस तरीके से रोटेशन यहां पर प्रोवाइड कर देंगे एंड दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। यही हमारे पास है इलेक्ट्रिक मोटर की बेसिक वर्किंग, कि व्हाट इज द, आपसे एग्जाम पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, आप बोलेंगे सर द वर्क, द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, वो फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, वेरी गुड। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग इट, यहां पर मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, कैसे अपन उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबको यहां तक बात क्लियर हुई तो हैंड रेज करके बताओ एक बार मुझे फटाफट। यस फास्ट,
यस एवरीवन, सभी लोग बताएंगे। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? एनी, अर्णव, ऐश्वर्या, अतुल, गर्वित, जतिन, बाकी बच्चे बस बैठे हैं क्या? जो क्लास में पार्ट नहीं लेगा मैं बाहर निकाल दूंगा। चलिए, अब हमसे सवाल पूछा जाता है, सर व्हाट इज द यूज ऑफ दीज स्प्लिट रिंग्स? यहाँ पर ये जो स्प्लिट रिंग्स और ग्रेफाइट के ब्रशेस से जो अपने स्प्लिट रिंग से कनेक्शन दिया है, ये क्या है? देखिए, हर पोर्शन तो मूव कर नहीं सकता ना, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपके आर्मेचर मूव करने लग जाए, गोल गोल घूमने लग जाए, तो साथ साथ बैटरी वाला सर्किट भी पूरा गोल गोल घूम रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसी ऐसा थोड़ी ना होता, आपकी वायर तो फिक्स्ड होती है। आप घर के अंदर अपने मोटर को देखोगे तो उसकी वायर आपने दीवार में लगा दी, खत्म बात। अब वो पूरी वायर थोड़ी ना घूमती है, पूरा घर थोड़ी ना घूम रहा होता है। इसका मतलब आपकी जो ये नीचे वाला सर्किट है ये तो फिक्स्ड है। ये जो नीचे वाला सर्किट है ये क्या है? ये तो फिक्स्ड है। लेकिन सर ऊपर वाला पोर्शन मूवेबल है, घूम रहा है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम एक स्प्लिट रिंग्स नाम का कम्यूटेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कम्यूटेटर। देखिए, हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि कंटिन्यूअसली ये मोटर है ना घूमती रहे, अभी कंटिन्यूअसली इवॉल्व करेंगे। देखिए, कुछ देर बाद क्या होता, सीडी वायर एबी की जगह आ जाती है और एबी उधर सीडी की जगह आ जाता। सीडी वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है, तो फोर्स उसको ऊपर लग रहा है। जब वो आधा रोटेशन कंप्लीट करके इधर आता एबी की जगह, फोर्स उसको अब भी ऊपर लग रहा होता। तो बेटा होता क्या, जैसे ही ये सीडी वायर इधर पहुंची, फोर्स इस पे ऊपर लगने लग गया, एबी पे नीचे लगने लग गया, तो रोटेशन उल्टा हो जाएगा। तो रोटेशन उल्टा हो जाएगा, ऐसे घूमने लग जाएगा अब ये वायर। हम चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं क्या कि हमारा कंडक्टर आधे साइकिल में तो ऐसे घूमे, फिर आधे साइकिल में वापस ऐसे घूम जाए? हम थोड़ी ना चाहते हैं ये चीज। वी डोंट वॉन्ट कि भाई हमारा कंडक्टर आधे साइकिल में तो एक डायरेक्शन रिवॉल्व कर रहा है, आधे साइकिल में दूसरे डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। वी डोंट वॉन्ट दिस थिंग। सो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम यहां पर लगाते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग क्या होती है सर? सर ये कम्यूटेटर होती है। क्या होती है? कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग इज अ टाइप ऑफ कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग इज अ टाइप ऑफ कम्यूटेटर। सर व्हाट इज द यूज ऑफ कम्यूटेटर? कम्यूटेटर का यूज क्या होता है? कम्यूटेटर का यूज ये होता है कि आपने जिस भी जगह पे कम्यूटेटर लगाया, कम्यूटेटर का काम है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते रहना। क्या करते रहना? रिवर्स करते रहना आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है, तो जो डिवाइस हम लगाएंगे उस डिवाइस का नाम क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। दैट डिवाइस इज नोन एज कम्यूटेटर। अब यहां पर क्या हो रहा है सर? तो आपने जैसे ही सीडी कंडक्टर एबी की जगह पे आया, तो वो पहले तो कनेक्टेड था इस वाले सी से, स्प्लिट रिंग जो लगाई है उसके एक पार्ट से कनेक्टेड था। जैसे ही वो दूसरी तरफ आएगा, अब उसका कनेक्शन भी दूसरी वायर से हो जाएगा, दूसरी तरफ वाले रिंग से हो जाएगा। जैसे ही उसका कनेक्शन दूसरी तरफ वाले रिंग से हुआ, करंट की डायरेक्शन पहले नीचे थी, अब ऊपर हो जाएगी। ऊपर हो जाएगी तो फोर्स उस पे ऊपर की बजाय नीचे लगने लगेगा और ये वायर कंटिन्यूसली घूमती रहेगी। समझ में आना चाहिए बात यहां पर सबको। क्या किया अपन ने? अपन ने वायर जैसे ही आधी रोटेट करके आई इधर, तो जो वायर कनेक्टेड थी पहले C1 से, एक तरफ वाली रिंग से कनेक्टेड थी, अब वो दूसरी तरफ वाली रिंग से कनेक्टेड हो जाती है। जैसे ही वो दूसरी तरफ वाली रिंग से कनेक्टेड हो जाती है, करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। करंट की डायरेक्शन जैसे ही बदलती है, फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाती है। और फोर्स की डायरेक्शन जैसे ही बदली, तो यहां पर कंटिन्यूअस मोशन होने लग गया इस रिंग का, इस आर्मेचर का। एंड स्प्लिट रिंग का काम यही है, टू एंश्योर द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए हम यहां पर क्या लगाते हैं? स्प्लिट रिंग्स लगाते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कम्यूटेटर विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। बताइए ये बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं? यस और नो? फटाफट बताएंगे हैंड रेज करके।
सो व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिटरिंग? स्प्लिटरिंग का यूज है करंट की डायरेक्शन को बदलना, हर कुछ देर बाद करंट की डायरेक्शन को बदलना, ठीक है. व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सल? टू रोटेट द आर्मेचर. व्हाट इज द यूज ऑफ आर्मेचर? इट रोटेट्स इन द सर्किट ड्यू टू करंट. अब आ जाते हैं ग्रेफाइट ब्रशेस के बारे में. ग्रेफाइट ब्रशेस हमने यहाँ पर क्यों यूज किए? भाई कुछ ब्रशेस हैं, उनको अपन ने सी से ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ये जो रिंग्स हैं उससे कनेक्ट कर रखा है. ये ब्रशेस जब मूव करेंगे तो ब्रशेस तो कंटिन्यूअसली कॉन्टेक्ट में रहेंगे ना, घिसते रहेंगे किसके साथ? रिंग्स के साथ, ठीक है. जब वो घिसेंगे तो ब्रशेस की कार्बन या ग्रेफाइट ब्रशेस का यूज हम यहाँ पर इसलिए करते हैं, सबसे पहली बात कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है अपने स्ट्रक्चर के कारण. दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड सेकेंडली, इट डज नॉट प्रोवाइड स्पार्क्स. ये स्पार्किंग प्रोवाइड नहीं करता, ये स्पार्क प्रोवाइड नहीं करता जिसके कारण आग लग सकती है बेटा, हमारा सर्किट खराब हो सकता है. उससे बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? ग्रेफाइट लगा देते हैं. पहली बात, करंट का फ्लो मेंटेन करेगा. क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर है. क्यों? क्योंकि क्या है? गुड कंडक्टर है. It is a good conductor of electricity. That's why it maintains the continuous flow of electricity throughout the circuit. Secondly, it is made up of carbon, and carbon does not have a tendency to show sparking. ठीक है, arcing यहाँ पर नहीं होती, arc या फिर sparking यहाँ पर नहीं generate होता है, जिससे हमारा circuit थोड़ा safe हो जाता है. बताइए बात यहाँ तक सबको clear होती है कि नहीं? Yes or no? So this is the complete working of electric motor. This is the complete working of electric motor. I hope you are getting it. Now if anybody is having any doubt, अब सिर्फ वही बच्चे हैंड रेस करेंगे जिनको कोई डाउट है. जिनको कोई डाउट है वो बच्चे हैंड रेस करके मुझे बताएंगे. कल की क्लास में हम जनरेटर देखेंगे, सैटरडे तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. यस मयंक जैन. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग सर. सर वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सर, आपने बोला था वो फोटो भेजना सर, वो अभी तक हुआ नहीं था सर, वो पूछ ले. तो कॉल कर लेना मेरे को क्लास के बाद. यस सर. अमना खान. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. ग्रेफाइट ब्रशेस की जगह अगर कार्बन ब्रशेस यूज करें? ग्रेफाइट इज अ इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन ओनली. कार्बन से ही बनता है. ओके सर. ग्रेफाइट कार्बन से ही बनता है. बात बराबर है. बुक्स में आपने देखा होगा, किसी बुक के अंदर कार्बन लिखा होगा, किसी बुक के अंदर ग्रेफाइट लिखा होगा. बात बराबर होती है. यस. एनी अदर डाउट? एनी अदर? चलिए, तो आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक मोटर देख लिया. इन टुडेज क्लास वी हैव सीन